स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 3D ज्योमेट्री में मैं पार्ट वन दे चुका हूँ, 2D का कंसेप्ट मैं दिया हूँ। आज हम आपको बताएंगे पार्ट टू में आपको बताएंगे सिर्फ 3D का कंसेप्ट, यानी कि उसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको आपको करके दिखाएंगे कि यह 3D है और ये 2D है। उसके द्वारा आप प्रह करेंगे कि 2D और 3D क्या होता है। इसलिए जब 2D का वीडियो पहले देख लीजिएगा तो इसको देखिएगा तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3D का जो शेप होता है, पहले ज्योमेट्रिकल शेप, वह कुछ एवं आकार से होता है। इसमें जेड होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है। जिस तरीके से 2D में हमने बताया था, 2D में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसमें दो ही होता है लेकिन इसमें तीन हो जाता है, तो इसलिए ये 3D में कहलाता है। अब 3D का कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और आपको देख करके बताते हैं कि ये 3D में क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, 3D में घनाभ होगा क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसलिए 3D है। क्योंकि 3D आकृति का मतलब होता है वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, वह 3D आकृति कहलाती है। 3D में और देखिए, जैसे घन है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, इसलिए 3D है। ये फोटो का बोर्ड है, एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें थिकनेस होता है, कुछ मोटाई भी होता है, लंबाई होता है, ऊंचाई भी होता है, और लंबाई हो गया, और लंबाई ऐसे होता है और ये चौड़ाई हो गया, और थोड़ा सा उसमें ये थिकनेस है तो इसमें ऊंचाई भी होता है। तो ये फोटो का बोर्ड है, ये 3D में आ जाएगा। तो इस तरीका से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ले सकते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, तो वह 3D में कहलाता है। मैंने 3D का सिर्फ कंसेप्ट दिया है, इस पर किसी प्रकार के चिन्ह परिपाटी का जिक्र नहीं किया है। आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा चिन्ह परिपाटी का कंसेप्ट कि कौन सा क्वाड्रेंट में, जैसे कि आपने सीखा होगा कि 2D में पहला चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो इसमें मैंने साइन का भी जिक्र नहीं किया है क्योंकि वो दूसरा चीज़ है, मैंने इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। आने वाला वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसका कितने क्वाड्रेंट होते हैं और उसके क्या क्या चिन्ह होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और इस चैनल पर सिर्फ मैथ की वीडियो मैं देता हूँ, मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तक मैं इस चैनल पर क्लास 1 से 10 क्लास तक मैं टोटल वीडियो मैथ का चैप्टर वाइज दे दिया हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, और यदि आप भी उसको सीखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं।